नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय वायुसेना में एयरमैन के पद पर पदस्थ रीवा के वलेंद्र तिवारी बीते 8 नवंबर से वायुसेना स्टेशन से गायब हैं। इसी संबंध में जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर आज सैनिक के परिजनों ने पुलिस उपमहानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। लापता जवान के परिजनों के अनुसार वलेंद्र तिवारी भारतीय वायुसेना में एयरमैन के पद पर पदस्थ थे। बीते 11 नवंबर को वायुसेना के दिल्ली स्थित रजोकरी दफ्तर से परिजनों को फोन आया कि वलेंद्र बीते 8 नवंबर से वायुसेना स्टेशन से गायब हैं, जिसके बाद दिल्ली पहुंचे परिजनों को उनके सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए वीडियोज के अनुसार वलेंद्र 8 तारीख स्टेशन से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। वलेंद्र के परिजन साउथ दिल्ली पुलिस स्टेशन में इस बाबत FIR दर्ज करा चुके हैं। परिजनों ने बताया कि वायुसेना के द्वारा लापता जवान को ढूंढने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस संबंध में आज पुलिस उपमहानिरीक्षक रीवा को ज्ञापन सौंपकर जानकारी मांगने और तत्काल कार्रवाई करने की मांग परिजनों के द्वारा की गई है। तो उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, तो हम अपने जिला में आके कलेक्टर जी को माननीय DIG साहब को लिखित में सूचित कर रहे हैं कि गुमशुदा की तलाश की जाए। कहाँ से कैसे गुमशुदा हो गए थे? कुछ दिल्ली राजोकरी एयरपोर्ट स्टेशन से 4:21 से गेट से बाहर हुए हैं, तब से वापस नहीं आए। वहाँ बात हुई, कुछ क्लू मिले वहाँ? वो एयरपोर्ट की क्या जानकारी है, क्या गतिविधि है, कोई जानकारी नहीं है। पर अपने जिले से आदमी परिजन कोशिश कर रहे हैं। किसी के ऊपर शक? अभी शक की तो कोई दायरा नहीं है, पर हो सकता है कि इसमें षड्यंत्र हो। कौन से थाना क्षेत्र से आप? ये थाना मनगवा। मनगवा से? नमस्ते। खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube में सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।